वेलकम गाइस, चलिए आज एक बार यात्रा करते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ से। आज जो अपना बेल्ट है वो जम्मू कश्मीर की तरफ से आया है और कहाँ आया है, जेपीएस एंटरप्राइजेस में। तो जेपीएस एंटरप्राइजेस में आपका स्वागत है एक जम्मू कश्मीर के बेल्ट के साथ में। ये बेल्ट है किसका, पीर मोहसिन जी हैं। इनका पिन कोड है 190018। आज सुबह ही इन्होंने इस कॉल को कम्प्लीट किया और कॉल कम्प्लीट करने के बाद इनका मेन वर्किंग क्या थी कि गेमिंग अच्छी करनी है और साथ में लाइव स्ट्रीम भी करूँगा। तो सारे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मुझे अभी एक बजट 110 रख के चलिए, उसके अंदर मैं बाद में अपने ग्राफिक कार्ड को 4070 सुपर या 4080 सुपर TI इन सब सीरीज़ों में जाने का सोचूंगा। अभी जो है इसके अंदर कुछ एक अच्छा सा बिल्ट मेरे को बना के दीजिए, चाहे वो 12 जनरेशन के प्रोसेसर पे हो, i5 भी बेटर हो वो भी चल जाएगा, लेकिन कुछ एक अच्छा सा बिल्ट दे दीजिए जिससे मैं गेमिंग, एडिटिंग और जितने भी अपनी कोडिंग्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं विथ मॉनिटर, मुझे एक अच्छा सा सजेशन दीजिए। मॉनिटर का पैसा जो रहेगा वो अलग रहेगा, वो भी प्योर गेमिंग पे रहेगा। जब 110 का बजट मिला और उसके अंदर ग्राफिक कार्ड 4060 Ti की बात हो, तब फिर एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि किस तरीके से प्रोसेसर दिया जाए। प्रोसेसर में कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए थे, तो ये था कि i7 पे तो जाना ही जाना है क्योंकि i5 ठीक नहीं रहेगा। इस वजह से क्या हुआ, सबसे पहले हम लोगों ने जो प्रोडक्ट इनका सिलेक्शन किया 12700K के साथ गए, 12700K को इसमें इंक्लूड कर लिया। 12700K एक अच्छा प्रोसेसर है, इसको इंक्लूड करने का मेन रीज़न ये रहा कि वर्किंग प्रॉपर हो सके। 25 MB कैश मेमोरी के साथ में 12 कोर 20 थ्रेड्स के साथ आने वाला ये जो प्रोसेसर है काफ़ी कैपेबल है। जितने हमें वर्किंग के लिए प्रोसेसर के कोर्स की थ्रेड्स की रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीज़ कंप्लीट करने में पूरी तरीके से ओके है। उसके बाद आ जाते हैं ग्राफिक कार्ड पे। ग्राफिक कार्ड इसमें दूसरा ऐसा पार्ट था जो बहुत दबते दबते इसने, अगर इसका बजट अलाउट कर रहा होता तो ये शायद इसी टाइम 4070 सुपर ले लेता, लेकिन बजट नहीं अलाउट किया, इसी वजह से 4060 Ti को लिया कि कम से कम गेमिंग का एक नेक्स्ट लेवल तक तो अच्छा कर ही जाऊं। और अब जब अपग्रेड करूंगा तो उस टाइम SMPS और ग्राफिक कार्ड दोनों को अपग्रेड कर दूंगा। किस लेवल पे, फिफ्थ जनरेशन के जो 50 सीरीज के भी ग्राफिक कार्ड आने की तैयारी चल रही है, मे बी दिसंबर तक इनकी भी लॉन्चिंग हो जाएगी। तो जो लोग अभी अपग्रेड करना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा टाइम लें, हो सकता है और अच्छे ऑप्शन जल्दी ही मिले। तो अभी इन्होंने क्या किया, 4060 Ti को ही अपने सिस्टम के साथ इंक्लूड कर लिया। अब इसमें मदरबोर्ड जो चाहिए था, इनका एक मेन रीज़न ये था कि ओवरक्लॉक मैं नहीं करूँगा, ठीक है। प्रोसेसर कैपेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा कैश मेमोरी के साथ होने चाहिए, कोर थ्रेड्स अच्छे होने चाहिए। बोर्ड पे थोड़ा सा आप बजट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो B760DS3HAX को हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया, क्योंकि अगर इसको इंक्लूड नहीं करते और जेट सीरीज़ को इंक्लूड करते तो जो इनका 110 का जो बजट था उससे हम लोग अबव चले जाते। इसी वजह से इसमें तीसरा प्रोडक्ट जो ऐड हुआ वो B760DS3H ऐड हुआ। रैम 32 GB, अच्छा गेम खेलना है, एडिटिंग करनी है तो सारी चीज़ों के लिए रैम जो है ज़्यादा ही चाहिए होती है, 16 GB से स्टार्टिंग हो जाती है, 32 GB अगर कैपेबल है तो ठीक है। इसके बजट के अकॉर्डिंग 32 GB इसमें सेट हो रही थी, तो 32 GB को non-RGB पे हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है। स्टोरेज में अभी सिर्फ किंगस्टन की Gen 3 NVMe 1 TB इंक्लूड की गई है, 3500 रीड राइट स्पीड है, गेमिंग में कोई इनको दिक्कत नहीं मिलने जा रही है। आगे अपने बजट को और एक्सीड करके ये इस जगह भी अपने प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी मदरबोर्ड पे दो ऑप्शन मिलेंगे, ये इसको बाद में सेकेंडरी बना के प्राइमरी पे Gen 4 सीरीज की कोई लगा सकते हैं, वहाँ से कोई इशू नहीं आने जा रहा। अब जो अपना ग्राफिक कार्ड था इसके अकॉर्डिंग अगर पावर सप्लाई की बात करें तो 550 वाट पे भी अपना काम चल सकता था। थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेके चलने में कोई बुराई नहीं होती, उसी कॉन्सेप्ट को इस जगह भी फॉलो कराया गया कि 650 आप रख के चलो बेटर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 650 वाट की GB रख ली गई, बजट के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा, बजट कम, ट्रेड दिया गया कि 110 के अंदर सब कुछ चाहिए था उसके अकॉर्डिंग पूरी तरीके से सेट हो रहा था, इसलिए इसको इंक्लूड कर लिया। अब चूंकि 12700K यूज़ हो रहा था,
हीट करता है प्रोसेसर, तो एक लिक्विड कूलर भी चाहिए था। लिक्विड कूलर में हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, 240L कोर ARGB। इस लिक्विड कूलर को यूज़ करने का सबसे मेन बेनिफिट ये रहेगा, प्रोसेसर 12700K है, अभी तो ओवरक्लॉक नहीं करना, बाद में अगर इनको कुछ भी अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करने रहेंगे तो उस टाइम ये प्रोडक्ट इनको काफ़ी सपोर्ट करेगा। तो अभी एक कॉन्फ़िग ऐसी तैयार हो चुकी थी जिसमें 1.10 के अंदर ये पूरा बिल्ट रेडी किया जा सके। अब इसके बाद बात आती है मॉनिटर पे, क्योंकि गेमिंग मेन एम था, तो गेमिंग मेन एम में क्या चीज़ प्रोडक्ट का सिलेक्शन होना चाहिए था, इन सब चीज़ों के बाद मॉनिटर आता है। मॉनिटर में सैमसंग का ओडिसी सीरीज का G402 सीरीज आती है इनकी, जो कि 240Hz 1ms के साथ में रहती है, उस मॉनिटर को इंक्लूड करा गया है। उसको इंक्लूड करने का मेन रीज़न ये रहा है, ई स्पोर्ट्स के जितने भी गेम हैं वो जितने ज़्यादा हर्ट्स हों उतना अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, इसी वजह से 240Hz पे सबसे पहले बैंक्यू ने लॉन्च किया, 360 पे सबसे पहले बैंक्यू ने लॉन्च किया, और सबसे ज़्यादा ई स्पोर्ट्स के गेम बैंक्यू ही मैक्सिमम कराता है। लेकिन अभी हम लोगों ने इनको जो मॉनिटर प्रेफर किया है वो सैमसंग का G4 सीरीज़ है, ओडिसी सीरीज़ है, IPS पैनल के साथ है, 240Hz पर 1ms के साथ में है। कैबिनेट इसमें गीगावाइट की C301 इन्होंने प्रेफर की है, हमने CMP 520 देनी चाहिए थी। उसके अंदर 3 फैन फ्रंट पे होते हैं, बैक साइड में फ़ैन नहीं था। इन्होंने इस कैबिनेट को देखा हुआ था गीगावाइट की, इनको ARGB फ्यूजन इसका ठीक लगा, 3 फैन फ्रंट पे और एक बैक साइड में। और एक मांग और की गई है, ग्राफिक कार्ड को आप टेस्टिंग में सब कुछ करिएगा, लेकिन जब भेजिएगा तो इसे पैक करके अलग से भेजिएगा, क्योंकि मैंने आपके मैक्सिमम जो कमेंट पढ़े हैं उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो दिक्कत होती है वो मैक्सिमम ग्राफिक कार्ड निकालने की रहती है, तो आप ग्राफिक कार्ड निकाल के ही दीजिएगा, उसको साथ में मत भेजिएगा, उसको मतलब साथ में अलग से करके भेजिएगा, उसके अंदर लगा के मत भेजिएगा। तो इनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अब हम लोग तेज़ी से काम पे लग जाते हैं। काम पे लगने का मतलब ये है कि इसको फटाफट इंस्टॉलेशन और असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं लास्ट लुक किस तरीके से निकल के आता है और हम लोग इसको कितनी जल्दी से पैक करके आज की डेट में निकालने में कैपेबल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि कम से कम 5 से 6 दिन इसे जम्मू एंड कश्मीर पहुँचते पहुँचते भी लगेगा। तो अपनी तैयारी तेज़ी से स्टार्ट करते हैं, बस बने रहिएगा, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं। मोहसिन जी की बिल्ट हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, वो अभी पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। जिस मॉनिटर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि 25 इंच का, 240Hz का, 1ms, IPS, वो आपके सामने है। जी सिंक कंपेटिबिलिटी, 240Hz, 1ms का रिस्पांस टाइम, IPS पैनल, अप डाउन राइट लेफ्ट सारे फीचर्स, ये सैमसंग का ओडिसी सीरीज का मॉनिटर है जो प्योर गेमिंग और एडिटिंग के लिए पूरी तरीके से रेडी है। इसको इस सिस्टम के साथ ऐड करना था, पूरी की पूरी 130,500 है इस मॉनिटर के साथ में। अब 130,500 के अंदर इस सीपीयू के अंदर क्या क्या इंक्लूड है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 12700K प्रोसेसर है, B760DS3H मदरबोर्ड है जो वाईफाई ब्लूटूथ के साथ है, 4 रैम स्लॉट है जिन पे आप 128GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5 है, ये सारे लेटेस्ट वर्जन है। साथ में 2 M.2 NVMe, 4 SATA हार्ड ड्राइव्स, ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं मदरबोर्ड के अंदर ही। ARGB हेडर मिलता है जिससे आप इसको श्रिंक कर सकें पूरा प्रॉपर, एक साथ सिंक्रोनाइज होने पर ये मदरबोर्ड से भी कंट्रोल हो जाएगा और स्विच से भी कंट्रोल हो जाएगी LEDs की। साथ में आ जाते हैं 32GB की 5200MHz की कोर्चर की रैम है जो इसमें यूज़ हुई है और नॉन RGB है, RGB उसमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं हुआ है। चेन 3 की किंगस्टन की NVMe है जो कि अपनी 3500 रीड राइट स्पीड पर है, 3 ईयर वारंटी के साथ आती है और इन सभी प्रोडक्ट्स की वारंटी है ऑल ओवर इंडिया थ्रू बिल
कहीं पे भी ले सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं होंगे डिब्बे या मेरी ज़रूरत नहीं होगी, ये सारी सुविधाएं अपने सर्विस सेंटर से डायरेक्ट ले सकते हैं जो कि इंडिया भर में ऑथराइज सर्विस सेंटर हैं सभी कंपनियों के। और कैबिनेट पे आ जाते हैं, कैबिनेट एक ऐसा सिलेक्शन था जिसमें ये डिसाइड करना था कि कम से कम 3 से 4 फैन मिल जाए। तो गीगाबाइट की C301 में ये फीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, 3 फैन फ्रंट पे, 1 बैक साइड में, 4 फैन ऑलरेडी मिल रहे हैं। 240 का एक लिक्विड कूलर कूलर मास्टर का ऐड किया गया है जो एक साथ सिंक्रोनाइज हो जा रहा है, आपको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। इन सभी चीज़ों को मीट आउट करते हुए साथ में इसमें SMPS भी गीगाबाइट की 650 वाट डाली गई है। जो इसमें ग्राफिक कार्ड है 4060 Ti, 3 फैन का एडिशन है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट जो थी वो NVIDIA के थ्रू 550 वाट ही रिकमेंडेड है, हम लोगों ने 650 वाट थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा है, इसको बूस्ट कर दी है पावर और ज़्यादा दे दी गई है कि अगर ज़रूरत पड़े तो कोई काम करने में दिक्कत ना आने पाए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब ये बिल्ड पूरी तरीके से मूवमेंट के लिए रेडी है। अब इसको बस एक ही काम बचा है, इसे फटाफट पैक करना और शाम के टाइम पे 7 बजे तक इसको ट्रैकॉन कोरियर जो अपना पार्टनर है उसको ये प्रोवाइड करना कि आप ले जाओ और जल्दी से जल्दी बंदे तक पहुंचा दो, क्योंकि उसने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, 1 हफ्ते में मेरे को PC मिल जाए। इसीलिए आज ये फटाफट सारे कार्यक्रम हुए कि आज सुबह ही इनका ऑर्डर लिया गया और इनसे पहले वाले जो ऑर्डर थे उनको छोड़ के सबसे पहले इनका काम कंप्लीट करके 1 हफ्ते के अंदर इनके पास पहुंच जाए, इसके लिए पूरी अपनी तरफ से कोशिश है। देखते हैं कोरियर या हम लोग किस्मत कितनी अच्छी रहती है कि इनके पास टाइम से प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो सके, कोशिश अपनी तरफ से, देखा जाता है क्या होता है। आज के लिए गाइस बस इतना ही। ये बिल्ट कैसा लगा, कम से कम 1400 किलोमीटर दूर से इस तरीके का जब ऑर्डर मिलते हैं तो आश्चर्य होता है, लेकिन शायद कुछ अच्छा काम किया जा रहा होगा इसीलिए लोग फेथ करते हैं और इस तरीके के ऑर्डर दे रहे हैं। तो बने रहिएगा और अच्छे बिल्ड के साथ में और अच्छे तरीके से नए लुक पे, नए फीचर्स के साथ जो भी नए बिल्ड आएंगे वो सब कुछ आपको चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा, अच्छा बुरा कम रेंज का ज़्यादा जो भी रहेगा सब कुछ आपको दिखाएंगे। थैंक यू।